भी हम लोगों को FZ-FZ-SV4 में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम लोग मैन्युअली इसको सेट कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन 4A वो हमें E20 इंजन के साथ देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो E20 का बैजिंग हमें देखने को मिलता है। वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ राइड अर्निक, आप देख रहे हैं नाइट वॉकर। एंड आज का जो वीडियो है वो है एक यामाहा की बाइक के ऊपर। सो कौन सा वाला बाइक है मैं सब कुछ बताऊँ, सब कुछ दिखाऊँगा आप लोगों को, बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलता है, इसके साथ कौन सा प्राइस में बाइक हमें देखने को मिलता है। एंड आज मैं आ चुका हूँ मेरा नियरेस्ट यामाहा शोरूम, नेशनल मोटर्स यामाहा ब्लू स्क्वायर। सो अभी दिखाते हैं बाइक को, देन बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो भी बताते हैं आप लोगों को। हियर इज़ द बाइक यामाहा FZ-SV4 रेड कलर वेरिएंट। इसका आज हम लोग डिटेल में रिव्यू करेंगे, बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलता है, इसके साथ कौन सा प्राइस में ये बाइक हमें देखने को मिलता है वो भी बताएंगे। स्पेशल थैंक्स नेशनल मोटर्स यामाहा ब्लू स्क्वायर फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आप लोग मेरा वीडियो सिलीगुड़ी के आसपास से देख रहे हो और आप लोग यामाहा के रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो, सो आप लोग डेफिनेटली विजिट कीजिए नेशनल मोटर्स यामाहा ब्लू स्क्वायर। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, इसके साथ डिस्प्ले पे अभी शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका होगा। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, इसके साथ टेस्ट राइड बुक कर सकते हो। सो अभी शुरू करते हैं बाइक का डिटेल में रिव्यू करते हैं, बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलता है एंड कौन सा प्राइस रेंज में बाइक अभी हमें देखने को मिलता है सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। यामाहा FZ-SV4 अभी हमें टोटल 3 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगा, मेटेलिक ग्रे, मैजेस्टिक रेड एंड मेटेलिक ब्लैक। अभी जो कलर देख रहे हो वो है मैजेस्टिक रेड, इसका अभी डिटेल में रिव्यू करेंगे। एंड सबसे पहले आप लोग कलर कॉम्बिनेशन को देखिए, रेड कलर का बाइक हमें देखने को मिलता है, इसके साथ जो एलॉयस है वो हमें गोल्डन कलर में देखने को मिलता है, एक प्रीमियम सा लुक्स हमें प्रोवाइड करता है। इसके साथ FZ-S का जो बैजिंग है वो हमें गोल्डन कलर के साथ देखने को मिल जाएगा। सो अभी चलते बाइक का फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट से अगर आप लोग नोटिस करें कीजिएगा, सो जो फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो टोटली डिफरेंट डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। मतलब FZ-S का जो V3 चल रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। जो DRL से वो हमें बोथ साइड DRL से मिलता है, इसके साथ फुल LED हेडलैम्प हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इग्निशन को ऑन करेंगे, सो आप लोग इसका जो DRL से उसका पोजीशंस को देखिए। फ्रंट से देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बाइक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ जो हेडलैम्प का जो साइड वाला जो फेयर से वो हमें रेड कलर में देखने को मिलता है, ग्लॉसी रेड कलर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिलता है हमें यामाहा का बैजिंग, इसके साथ फ्रंट नंबर प्लेट हैंगर। कोई भी विंडशील्ड हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग अपना मार्केट विंडशील्ड यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रंट में हमें LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा, पहली बार यामाहा FZ-S में हमें LED टर्न इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलता है। इसके साथ फ्रंट का जो मडगार्ड है वो हमें मिलता है मैट ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में, हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन पे हमें यहाँ पर यामाहा का बैजिंग देखने को मिलता है, इसके साथ फ्रंट का जो एलॉयस है वो हमें गोल्डन कलर में देखने को मिल जाएगा। एलॉयस का जो डिज़ाइन है वो पहले का डिज़ाइन में हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो कलर है कलर कॉम्बिनेशन में हमें थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में हमें 43mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाएगा, यामाहा का बैजिंग हमें देखने को मिलता है, बोथ साइड हमें यामाहा का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके साथ फ्रंट में हम लोग को मिलता है 100x80 17 inches का सीएट का ट्यूबलेस टायर्स। एंड जो सीएट का जो टायर्स है उसका जो ग्रिप का क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का ग्रिप हम लोग को प्रोवाइड करता है। बाकी इंजन नीचे हमें यहाँ पर इंजन बैश प्लेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मैट ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में। एंड जो बैश प्लेट है वो प्लास्टिक मटेरियल का, जितने पार्ट्स हमें इस बाइक में देखने को मिलते हैं एक अच्छा खासा प्लास्टिक का पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ फ्रंट जो ब्रेक है वो हम लोग को मिलता है 282mm डिस्क विथ बाइब्री का सिंगल पिस्टन कैलीपर, गोल्ड ब्लैक कलर का कैलीपर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक हमें देखने को मिल जाएगा, फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह अभी हमें ABS के साथ देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट का कैथलेटिक कन्वर्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इसके साथ O2 सेंसर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एयर कूल्ड इंजन के साथ ये बाइक हमें देखने को मिलता है, बाकी सिंगल हॉर्न हमें मिलता है स्टैंडर्ड। एंड जितना भी साइड पैनल्स है वो हमें मैट ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम फिनिश देखने को मिलता है, जो बाइक को एक प्रीमियम लुक हमें प्रोवाइड करता है। बाकी साइड में हमें यहाँ पर गोल्डन कलर में 3D में FZ-S का बैजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर वर्जन 4 का बैजिंग हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड जो बाइक है वो ग्लॉसी रेड कलर में एक अलग सा ही फील देता है हम लोगों को। बाकी टैंक में हमें यहाँ पर यामाहा का लोगो देखने को मिलता है,
3D में यामा का लोगो हमें देखने को मिल जाएगा एंड जो टैंक पैनल से वो हमें प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर टैंक में मिलता है। यहाँ पर मिल जाएगा सिल्वर कलर का फुल कैप, इसके साथ टैंक माउंट हमें यहाँ पर की स्लॉट देखने को मिलता है। एंड इस बाइक का जो हार्ट है, मतलब इस बाइक के इंजन की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इंजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब 150cc सेगमेंट्स में हमें मिलता है सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू हेल्प SOSC एयर कूल्ड BSS कंप्लाइंट FI इंजन। एंड इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मिलता है 149cc। एंड अगर इस इंजन की पावर आउटपुट की बात करें तो हम लोग को मिलता है 12.4 PS मैक्स पावर एट 7250 RPM। इसके साथ 13.3 Nm का मैक्स टॉर्क हमें देखने को मिल जाएगा 5500 RPM पर। इंजन का जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा टॉर्क हमें देखने को मिलता है। जब आप लोग इस बाइक को राइड करोगे तो हर एक गियर पे इसका जो टॉर्क है वो आप लोगों को फील हो जाएगा। बाकी हमें यहाँ पर यामा का बैजिंग देखने को मिल जाएगा, इसके साथ ऑयल फिल्टर का हमें यहाँ पर कैप देखने को मिल जाएगा। एंड जो इंजन है वो हमें एयर कूल्ड इंजन के साथ देखने को मिलता है। एंड इस बाइक का जो गियर बॉक्स है वो हम लोगों को मिलता है 5-speed गियर बॉक्स। इसके साथ जो इसका जो क्लच है वो हम लोगों को मिलता है वेट मल्टीप्लेट क्लच। एंड इस बाइक का जो साइड पैनल है वो हमें ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक बिल्ड साइड पैनल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड एग्जॉस्ट हमें मिलता है सिंगल एग्जॉस्ट सिल्वर कलर का मफलर काउल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हमें यहाँ पर ब्लैक कोटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। राइडर फुट पेक्स, इसके साथ पिलियन फुट पेक्स हमें मिलता है फुल्ली एल्यूमिनियम फिनिश के साथ। यहाँ पर हमें रियर ब्रेक का ऑयल कंटेनर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड रियर का जो एलॉयस है वो हमें गोल्डन कलर का एलॉयस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रियर का जो ब्रेक है वो हमें मिलता है 220mm डिस्क विथ निसिन का सिंगल पिस्टन कैलिपर। एंड रियर में भी हमें ABS देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड। एंड रियर का जो टायर्स है वो हम लोग को मिलता है 140x60x17 inches का C8 का ट्यूबलेस टायर्स। एंड टेल का जो जितना भी पैनल्स है वो हमें यहाँ पर ग्लॉसी रेड कलर में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर छोटा सा पोर्शन हमें मैट ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। इसके साथ हमें यहाँ पर ब्लैक कलर का गैब्रियल्स देखने को मिलता है। एंड आप लोग सीट को नोटिस कीजिए, डुअल टोन कलर फिनिश के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब थोड़ा सा रेड शेड एंड यहाँ पर ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड जो टेल लैम्प है वो हमें LED टेल लैम्प मिलता है, मतलब MT15 में जो टेल लैम्प आता है उसी डिज़ाइन में हमें यहाँ पर टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा। बाकी LED टर्न इंडिकेटर्स, इसके साथ रिफ्लेक्टर्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मिल जाएगा रियर नंबर प्लेट लाइट, रियर नंबर प्लेट हैंगर, इसके साथ रिफ्लेक्टर्स हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड। बाकी हमें यहाँ पर प्लास्टिक का टायर हगर भी देखने को मिल जाएगा। एंड लेफ्ट साइड का जो पैनल से हमें यहाँ पर क्रोम फिनिश देखने को मिलता है, इसके साथ हमें यहाँ पर रेड कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी हमें यहाँ पर 3D में FGS का बैजिंग देखने को मिलता है, वर्जन 4 का बैजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी का जितना भी पैनल से हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। एंड जो बाइक है हमें यहाँ पर साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड दोनों स्टैंड मिलते हैं स्टैंडर्ड। साइड स्टैंड में हम लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इस टाइम में हर बाइक में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी बॉक्स टाइप स्विंग आर्म हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड। ओपन ड्राइव चेंसर हमें देखने को मिल जाएगा। एंड जो टायर हगर है उसमें हमें इनबिल्ट शाड़ी गार्ड देखने को मिलता है। एंड टायर हगर का जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का टायर हगर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड जो टायर हगर है वो डिटैचेबल है, आप लोग चाहो तो यहाँ से उसको डिटैच भी कर सकते हो, मतलब खोल के रख सकते हो उस। एंड इसके साथ रियर का सस्पेंशन हम लोगों को मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन, जिसको हम लोग 7 स्टेप में अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगर इस बाइक की डायमेंशंस की बात करें तो हम लोगों को मिलता है 165mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब सेंटर स्टैंड होते हुए भी एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने को मिलता है। इसके साथ सीट हाइट हम लोग को मिलता है 790mm, जो कि थोड़ा सा लोअर साइड में सेटअप हमें देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट राइडर्स के लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। बाकी कर्व वेट हम लोग को मिलता है 136 kg इसका कर्व वेट, मतलब थोड़ा सा हल्का साइड में देखने को मिलता है, इसके वजह से इसका जो मतलब इनिशियल जो पिकअप होगा उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो फ्यूल टैंक है वो हमें मिलता है 13 लीटर्स का लार्जर फ्यूल टैंक, मतलब इसका जो माइलेज है वो अगर आप लोग 40-45 के आसपास हम लोग अगर इसको पकड़ेंगे तो एक बार फ्यूल टैंक करने के बाद आप लोग बहुत इजीली 500 किलोमीटर्स तो डेफिनेटली रन कर सकते हो इस बाइक के साथ।
एंड कोई भी मेरे व्यूअर्स में से अगर इस बाइक को ओन करते हो तो आप लोगों को कितना माइलेज मिल रहा होगा इस बाइक से वो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड जो टेल पैनल से हमें यहाँ पर ग्लॉसी रेड कलर देखने को मिल जाएगा। सो अभी चलते इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसके साथ जो हैंडल बार है उसको देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो भी बताते हैं आप लोगों को। तो जो हैंडल बार है वो हम लोगों को मिलते हैं सिंगल ट्यूबलर अपराइट हैंडल बार, ब्लैक कलर का हैंडल बार हमें देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड। एंड जो रियर व्यू मिरर से वो हमें मिलता है ब्लैक कलर में, वाइडर रियर व्यू मिरर्स। क्लच लीवर्स हमें मिल जाएगा ब्लैक कलर में, इसके साथ फ्रंट ब्रेक लीवर्स हमें मिल जाएगा ब्लैक कलर में। बाकी क्लच हमें मिलता है वेट मल्टीप्लेट क्लच। एंड स्विचेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें हाई बीम एंड लो बीम प्लस इनबिल्ट पल्स स्विच देखने को मिल जाएगा, टर्न सिग्नल का स्विच, हॉर्न का स्विच। एंड राइट में हमें मिलता है रेड कलर में इंजन किल स्विच, एंड यहाँ पर मिल जाएगा हॉर्न का स्विच। बाकी हैंडल बार का जो ग्रिप का जो क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी का ग्रिप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मिलता है हम लोग को बार एंड्स। सो अभी देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले आप लोग इसका जो की है, की को देखिए, नॉर्मल यामा का जो की है उसी डिजाइन में की हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर हमें यामा का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड जो की स्लॉट है वो हम लोग टैंक माउंट की स्लॉट देखने को मिलता है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर यामा का लोगो देखने को मिलता है, मतलब यामा का बैजिंग। इसके साथ जो बाइक है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, मतलब हम लोग अपना मोबाइल को बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लग देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हमें यहाँ पर टैकोमीटर देखने को मिलता है, मतलब आरपीएम मीटर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिलता है स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज यहाँ पर मिल जाएगा, ओडो ट्रिप ए ट्रिप बी ट्रिप एफ, इसके साथ एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड द बटन्स हमें मिलते हैं मोड एंड सेट, सेट को प्रेस करेंगे तो हम लोग ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी में स्विच कर सकते हैं। एंड इस बाइक का जो हाइलाइटेड फीचर्स है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। जी हाँ, अभी हम लोगों को FZ FZS V4 में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम लोग मैन्युअली इसको सेट कर सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देख रहे हो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। अगर हम लोग जो सिलेक्ट वाला जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल को हम लोग ऑफ कर सकते हैं। एंड इतना सारा फीचर्स अभी इस बाइक में हमें देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ जो क्लॉक है यहाँ पर हमें ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ मिस कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, मोबाइल का बैटरी लेवल भी हमें यहाँ पर दिखाएगा। एंड इसके साथ यहाँ पर साइड में कुछ सिंबल्स हमें देखने को मिलता है, जैसे न्यूट्रल का सिंबल, इंजन चेक लाइट, TCS मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का लाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ न्यूट्रल का लाइट, इसके साथ हाई बीम लो बीम ABS का लाइट एंड टर्न सिग्नल का लाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में तो डेफिनेटली एक अच्छा बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट यामा ने हम लोग को प्रोवाइड किया, एक बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा बाइक हमें देखने को मिल जाएगा। एंड स्पेशली आप लोग फ्रंट से इसका लुक्स को देखिए, जो DRL से एक डेविल लुक हमें प्रोवाइड करता है फ्रंट से। सो अभी देखेंगे कौन सा प्राइस रेंज में बाइक हमें देखने को मिलता है। एंड इसका जो एग्जॉस्ट नोट है उसको भी हम लोग आगे चेक करेंगे। सबसे पहले प्राइस को देखते हैं। यामा FZS V4 जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ नया वेरिएंट में यामा ने इसको लॉन्च किया है, इसका प्राइसिंग हम लोग को मिलता है 1,28,700 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस। एंड ऑन रोड में बाइक हमें देखने को मिल जाएगा 1,54,917 रुपीज़ इसका ऑन रोड सिलीगुड़ी प्राइस। हर स्टेट हर सिटी के हिसाब से इसका ऑन रोड प्राइसिंग में हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग अपना अपना सिटी अपना अपना स्टेट में इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो अपना सिटी अपना स्टेट का नाम लिख के, मैं कोशिश करूँगा उसको प्रोवाइड करने की। सो अभी सुनेंगे इसका एग्जॉस्ट नोट, देखेंगे कैसा एग्जॉस्ट नोट इस बाइक में अभी हमें सुनने को मिलता है। तो आप लोगों ने सुन लिया इसका एग्जॉस्ट नोट, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन एंड बेसिक एग्जॉस्ट नोट हमें सुनने को मिलता है। एंड आप लोग इसका डिज़ाइन को और एक बार देख लीजिए, कितना ज़्यादा बेहतरीन डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ जो फीचर्स के साथ यामा ने अभी इसको प्रोवाइड किया हम लोग को, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी बाइक हमें देखने को मिलता है। एंड इस बाइक की अगर माइलेज की बात करें तो हम लोग 40 to 45 डेफिनेटली इस बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 40 to 45 डेफिनेटली ये बाइक कैपेबल है, इतना ज़्यादा माइलेज दे सकता है ये बाइक। सो इसका जो हाइलाइटेड फीचर्स है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम।
अभी FZ FZS V4 में हमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाएगा, एंड उसको आप लोग मैन्युअली मतलब ऑन ऑफ कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल ज़रूरत है तो आप लोग इसको ऑन रख सकते हो, एंड नहीं चाहिए तो आप लोग इसको ऑफ कर सकते हो। एंड FZS का जो वर्शन 4 है वो हमें E20 इंजन के साथ देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो E20 का बैजिंग हमें देखने को मिलता है। E20 मतलब इथेनॉल बेस हमें इंजन देखने को मिल जाएगा। सो इस बाइक का कौन सा फीचर्स आप लोगों को अच्छा लगा मुझे कमेंट से बताइए, एंड ये स्पेशल ये बाइक आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट से बताइए। होप कर रहा हूँ कि आज का ये रिव्यू वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल नाइट वॉकर, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका भाई रोज़ाना ऐसे बाइकिंग के ऊपर वीडियो लाता रहता है। सो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।